लिखोगे, नेक्स्ट लिखोगे, सब चलेगा। चलो राइट है ना? हाँ राइट है। थर्ड का आंसर क्या लिखा है देवान? वनराज चावड़ा। वनराज चावड़ा। सौम्या लिखा है? वनराज चावड़ा। इसने तो छोड़ ही दिया। फोर्थ एरिया फोर्थ राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा राष्ट्रकूटा अमात्यास। मैं फिफ्थ वाला अमात्यास। अमात्यास मैं मेरे पांचों पांच राइट है। मैंने अमात्यास धैर्य का एक गलत हुआ। किसका मैम? धैर्य का एक गलत हुआ। और मैम मेरा मैं फाइव करके राउंड कर दूं ऊपर। मैंने भी वही लिखा है। मैम थर्ड का पाला डायनेस्टी का गोपाल। यस मैम मैंने भी वही लिखा है। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का गोविंद थ्री। मैम मैंने भी वही लिखा है। पल्लवा डायनेस्टी का नरसिंह वर्मा टू। मैम मैंने अकेला नरसिंह वर्मन लिखा है, उसमें वही लिखा था। तो मैम टू भी था। मैम वन और दो था। देखो मैंने वहाँ पे टू लिखा है। मैम लिखा था नरसिंह वर्मन लिखा है तो वो गलत हो जाएगा बच्चा। स्वामी एक मार्क चला गया। मैम मेरे पास आए ना? मैम हाँ बेटा आ गए। मैम मेरा फिंगरप्रिंट करके राउंड कर दूं? हाँ कर मैं, दो। मैम मेरा फिंगरप्रिंट रुको धैर्य। मैम फर्स्ट का आंसर बेटा देवांश रुको। मैंने बोला था ना धैर्य ऐसे नहीं लिखना है। वन सी टू करके धैर्य मैंने मना किया था ना, ऐसे एमसीक्यू नहीं लिखा। मैं आपने कहा था मैम स्पेसिफिकली मैंने बोला था कि सेन डायनेस्टी तो उसके सामने आंसर। अब मैं जीरो रख दूं धैर्य वहां पे? नो मैम। मेरे कितने मार्क्स हुए? रुको बच्चा सौम्य, मैं एक साथ सबका पेपर थोड़ी ना खोल सकती हूँ। अब धैर्य तुम्हारा कैसे करो? अच्छा देवांश अभी मुझे ऐसे इसने लिखा है उस तरीके से आंसर बोलो ना। वन वन के सामने वन सेन डायनेस्टी का मैम डैश करके विजय सेन। वन सोलंकी डायनेस्टी का ऐसे नहीं, उसने अभी ए बी सी लिखा है। मैम ए बी सी मतलब कैसे जो आंसर है वो? एक्चुअली मैं ना ए बी सी में बहुत कंफ्यूजन था क्योंकि एक गलत था ना तो बहुत ही कंफ्यूजन था। यस मैम भोज मैम गलत था, मैंने भी भोज लिख दिया फिर मैंने कैंसिल किया। सेन डायनेस्टी कौन से नंबर पे? ए बी सी कौन से नंबर पे? मैम सेन फर्स्ट पे। ऑप्शन में कहाँ पे लिखा है? मैम मेरे मैंने लिखा हुआ है मैम फर्स्ट वन है ना वो सी का है। सी फर्स्ट वन है वो सी है। यस मैम सी है। थर्ड वन का डी है। फोर्थ वन का बी और यस मैम फिफ्थ वन का नरसिंह वर्मा टू का ए। मैम तो मेरे मेरा एक ही रॉन्ग हुआ। तीन रॉन्ग हुए मैम। कैसे तीन? थर्ड का क्या है? मैम थर्ड का तो ए है। डी मैम ए नहीं है, डी है मैम। डी है डी डी थर्ड का डी है बेटा। और मैम मेरा फोर्थ का बी है वो राइट है। दो ही रॉन्ग हुए। एक मिनट देवांश, फोर्थ का बी है क्या? मैम फोर्थ का बी यस मैम बी है। ओके मैम लास्ट का मैम ए है। लास्ट तो उसका दो गलत हुआ तीन राइट हुआ। एक ही रॉन्ग हुआ था ना। चेकिंग नहीं किया अभी तक। मैम मेरे फाइव फाइव आ गए दोनों में। और मैथ मैम एक मार्क का था ना सब। फिलिंग द ब्लैंक्स में दो गलत है, एक तो तुमने लिखा नहीं है
यस मैम मेरे नहीं नहीं मैं डेरिया की बात कर रही हूँ मैम तो दोनों में तीन तीन ही आएगा और मैम मेरा फोर आएगा ना मैच द फॉलोइंग में और फिलिंग द ब्लैंक्स में तो फाइव है मैम एमसीक्यू में फर्स्ट हर्षवर्धन यस मैम यस यस मैम हर्षवर्धन मेरा राइट है एक मिनट डेरिया बोलेगा देवांश डेरिया बोलेगा ओके मैम सेकंड नंबर पर जे जे जा कट भूख राइट है फिर थर्ड में कुमार पाल राइट है फोर्थ में मैम चंडर डायनेस्टी पाला डायनेस्टी और मैम फिफ्थ में सोलंकी चावड़ा मैम मेरे इसमें पांच और पांच राइट है मैम मेरे भी मैम मेरे तीन कर दूं ना मैम मेरे भी कर दूं तुमने लास्ट दोनों गलत किए यस मैम मेरी टीम में आंसर क्वेश्चन आंसर मैं बोलूंगा सौम्या वहां अरे धैर्य वहां पे आंसर लिख दो दोनों के जो तुम्हारे गलत है उसके आंसर लिख दो यस मैम पारा मैम क्वेश्चन आंसर मैं बोलूं मैम क्वेश्चन आंसर सब बोलेंगे एक एक करके देवांश मैम लास्ट नंबर मैं बोलूंगा वो पक्का बोल रहा है ये देवांश हां हां मेरा ही धैर्य बोल रहा है उसने पहले कौन बोल रहा है मैम रानी अडवा मट्टी बल्ट रानी की व मैम राइट है मेरा सेकंड मैं बोलूं मैम देवांश नहीं देवांश सीरियस है मैम द मोस्ट प्रोमिनेंट किंग ऑफ चावड़ा डायनेस्टी वनराज चावड़ा फाउंडेड अनिल वाड़पाटन स्वामी तुम्हारा आंसर बोलो क्या लिखा मैम मैंने वही लिखा है मैं आपने बोला पूरा लिखना है तो मैंने पूरा लिखा है मेरा फर्स्ट राइट है और सेकंड भी राइट देवांश मैं आ रही हूं मैम कितने मैम मैंने सेकंड नंबर को आपने कहा था कि एक एक वर्ड लिखेंगे तो भी चलेगा इसलिए मैंने वन लाइन एक एक वर्ड लिखेगा पर आंसर कंप्लीट नहीं लिखने का द किंगडम वाज बिल्ट बाय ऐसे पूरा स्टेटमेंट में नहीं लिखने का बच्चा मैम आपने कहा नहीं था कि ऐसे ही लिखेंगे वनराज चावड़ा लिखोगे चलेगा पर पूरा आंसर कम्प्लीट तो करना है ना वनराज चावड़ा फाउंडेड अनिल वाड़पाटन ऐसा लिखना था लिखना है ना बेटा सिर्फ वनराज चावड़ा लिख के तुमने छोड़ दिया आंसर मैंने वन वर्ड बोला था आंसर आंसर तो फॉलो क्वेश्चन पूरा लिखा था मैं क्वेश्चन दो लाइन ऐड की है इसमें कोई बात नहीं इस बार मार्क्स दे रही हूँ धैर्य नेक्स्ट टाइम नहीं यस मैम मेरा फर्स्ट राइट है द लास्ट रूलर द फर्स्ट रूलर Last ruler of Vaghela dynasty was Karan Dev Vaghela. He was also the last Rajput ruler to have held control of most of the Saurashtra and Gujarat. Swami, तुमने क्या लिखा बोलो? मैम last के जो दो line बोली ना वो नहीं लिखी मैंने इतना लिखा the last ruler of Vaghela dynasty was Karan Dev Vaghela. तो क्यों नहीं लिखी? मैम मैंने भी तूने तो सिर्फ Karan Dev Vaghela. Yes मैम. आई गया मम्मी ने खाना नहीं दिया था उस दिन धैर्या को बोला मैं पेपर में से सब खा लेता हूँ मैम मैंने सिर्फ दो लाइन खाई है अब तक की नहीं दूंगी मैंने कुछ भी नहीं खाया मैम मेरे को दो मैम मैंने एक सेंटेंस तो लिखा है मम्मी आप फोर्थ का आंसर बोलो मैम द डायनेस्टी चौहान डायनेस्टी तुम सौम्य हो बेटा नो मैम यू हैव टू वेट ना देन यस सौम्य बोलो बेटा थ्री मेजर डायनेस्टीज आर परमार डायनेस्टी चौलक्य एंड चौहान डायनेस्टी यस परमार डायनेस्टी चौहान डायनेस्टी एंड चौलक्य डायनेस्टी मैम मैंने भी एक लिखा है पर तुमने सब आधा आधा चीज में लिखा है मैंने क्या बोला इस बार मैं मार्क्स दे रही हूँ फिर नहीं दूंगी अब फिफ्थ वाला आंसर बोलो तुम मैं देवांश नहीं दे रही हूँ मैं तो पलवा डायनेस्टी लिख दिया फिर भूल गया था
मैं बोलूं मैंने पूरा लिखा मैं बोलूं मैं बोलना है देवांश तीनों को आंसर्स बोलने हैं तीनों ने अलग अलग लिखा है तो तीनों को बोलना पड़ेगा ना बोलो सौम्य मेजर डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया वेर पल्लवा राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एंड चोला छोला डायनेस्टी देवांश तुम बोलो पल्लवा डायनेस्टी चोला डायनेस्टी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी वेर थ्री मेजर डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया मैम उसने जो नीचे लिखा है वो मैंने ऊपर लिखा है बस मैम पर मैंने एक ही लिखा है तो मैं राइट है ना हाँ धैर्य को मार्क्स नहीं मिलेगा यस मैम मुझे इसमें भी पांचों पांच मिल गए मैम मुझे भी पांचों पांच मिल गए तो मैम फाइव मार्क्स कर दूं हाँ मैम मैंने कर दी मैम सब फाइव फाइव मार्क्स का है था यस लास्ट टू क्वेश्चन थे वो फाइव मार्क्स थे तो टू एंड हाफ टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव वो अपने हिसाब से मैं रीड करूंगी पर्सनली तुम लोग के पेपर में से और मैं मार्क्स दूंगी तो वेडनेसडे मैं बता दूंगी आपने इसमें कौन सी गलती की है वहां पे मैम मैं रीड करूँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नहीं वो मैं पढ़ूंगी पर्सनली आप लोग तीनों के मैं पर्सनली पढ़ूंगी कितने आए तो हमारे मैम मेरा 19 है एक ही मार्क्स इससे कम है मेरा 19 उसके 20 मेरा 20 है बोलो कह मैम ये मैम ये दोनों के फाइव मार्क्स के कि एक एक फाइव मार्क्स के एक 2.5 मार्क्स का है यस मैम ठीक है चलो अभी वेडनेसडे मैं डिस्कस कर लूंगी आप लोग का जो 25 मार्क्स का पेपर था ओके मैम मैम मेरे 20 आ गए अभी जितना कहा किया ना मैं अभी बिल्कुल चिंता नहीं मैम मेरे को 19 मार्क्स आ गए हैं एक कम है मुझे लगता है कि मैम एक मेरी शॉर्ट मार्क गलत होगी मैम फर्स्ट वाली मुझे नहीं आती थी वो मुझे पर्सनली देखना पड़ेगा ना चलो अब हम करेंगे जो हमारा उस दिन थोड़ा चैप्टर कंप्लीट था सुहानी बेटा मैम 10th चैप्टर चैप्टर मेटामॉर्फिक रॉक से हमारा पढ़ना बाकी था यस मैम मैं पहले सब म्यूट हो जाओ यस सुहानी बेटा यस मैम मैम को वापस भेजो ना तुम्हारा पेपर उनको बोलो ना मुझे साइन करने के लिए सोनिया मैम को भेजो हाँ बेटा सोनिया मैम को भेजो ना मैम हमको है ना मैंने क्या बोला म्यूट होने को बोला तो मैंने किसी को बोला बीच में बोलने के लिए सुहानी शायद मिल गया मुझे रुको मैम मैंने भेज दिया सुनो सुनो मिल गया मुझे तुम्हारी उस पीडीएफ में नाम नहीं लिखा तो मुझे पता नहीं चला पीडीएफ में नाम नहीं लिखा मैम को बोलो मिल गया मुझे कागज से भेजा है ना तुमने हाँ मैम बस पीडीएफ में नाम लिखो बेटा पीडीएफ में लिखो भेजने के नीचे मत लिखो अब मिला मुझे मिल गया मुझे वापस जिसमें तुमने अभी पीडीएफ में नाम लिखा है सुहानी इनका खत्म होता है फिर हम पेपर डिस्कशन करेंगे ठीक है बेटा ओके मैम और फिर जो हमारा चैप्टर करना है वो करेंगे तीनों के तीनों वीडियो ऑन करो और म्यूट रहना है मैम हमें सिर्फ है ना 13 चैप्टर करना है क्योंकि तुम रीड करना शुरू करो सुहानी और सारा पीडीएफ या जो भी रेडी रखना है और रेडी रखना तो जब मैं स्क्रीन शेयरिंग बोलूं तो वो रेडी रहे ठीक है कोई भी बोलेगा नहीं अभी आप तीन लोग कब से चिकर 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 एक साथ बोल रहे थे मेरा सिर दर्द होने लगा जिसको भी बात करनी है सौम्य डिजिटल हैंड दिखा रहा है ना वो डिजिटल हैंड दिखाएगा 10 मिनट के लिए मौन व्रत रख लो हाँ रुक धैर्य वीडियो ऑन करना है शक्ल दिखानी है हाँ
देखो तो सारा पेपर में तीन बार लिखवाने वाली हूँ, लिखवाऊ ना? यस मैम। टेक्स्ट बुक लेकर आया? नो मैम। तेरे लिए टेक्स्ट बुक चलते चलते तेरे घर आने वाली है। नो मैम, वो है ना मैम, नेक्स्ट लेक्चर तक तेरे हाथ में ऐसे टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, ऐसे, ठीक है? यस मैम। हाँ, नहीं होगी तो तू लेक्चर अटेंड नहीं करेगा, तो आज के आज जाएगा और टेक्स्ट बुक लेके आएगा। हाँ देवांश, पता चला मुझे। चलो सौम्य बोलो, क्या प्रॉब्लम है? मैम मेरे पास है ना 10th चैप्टर का रिवीजन नोट्स आया है, तो वो मैम आपको भेजना है, आपने बोला था तो वो। यस, आपको आपका तो भेजना ही है, मेरे पास ये वर्कबुक भी आ गई है, तो मैं इसमें से भी आपको वर्कशीट्स दूंगी, पर आपका भी देना तो मुझे कंबाइंड मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है? ओके मैम, मेरा अभी है ना वर्कशीट और टेक्सचुअल आया है, पर वो आंसर के साथ नहीं आया, आंसर के साथ आएगा ना तब भेजूंगा। यस, तब भेज देना। चलो अब हम करेंगे पेज नंबर 54, उसमें हमें करना है मेटामॉर्फिक रॉक, बाकी सबके वीडियो वीडियो ऑन और माइक ऑफ, सिर्फ देवांश चलो तुम्हें बोल रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक शुरू करना है, बोलना है तो हैंड रेस, क्या है? मेरे पास तो नहीं है टेक्स्ट बुक, तो मैं वीडियो ऑफ कर सकता हूँ। वेडनेसडे तो तेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं होगा ना, तो वीडियो ऑफ की तू खुद ऑफ बाहर, है ना? यस मैम। किक आउट मैम, मैम अब ठीक, ठीक है वीडियो ऑफ कर दे। मैम अब चिपक गए। मैं नहीं, तू चिपक गया है, तेरे नेट में प्रॉब्लम। यस मैम तू चिपक गया है। यस मैम वो चिपक गया है। चलो देवन शुरू करो रीड करना। Yes, metamorphic rock. Igneous and sedimentary rock can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. For example, clay changes into slate and limestone into marble. रुको, this पे पढ़ो। Okay. अब देखो, ये जो third rock है, वो third rock है, metamorphic rock है। ऊपर के दो जो rock हमने पढ़े, igneous और sedimentary rock, ये दोनों rock किसमें change होते हैं? Metamorphic rock में change होते हैं। अभी कैसे चेंज होते हैं? जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक पे बहुत सारा हीट प्रेशर आता है वेदर के वजह से, ठीक है, तो ये कुछ समय के बाद मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जांपल दिया है जैसे क्ले, क्ले जो है उस पे बहुत सारा हीट आना या प्रेशर आना जिसकी वजह से ये स्लेट में चेंज हो जाता है, क्ले टू स्लेट यानी स्लेट मेटामॉर्फिक रॉक है। लाइमस्टोन, अब क्ले जो है वो इग्नियस रॉक है, इट गेट्स कन्वर्ट इनटू मेटामॉर्फिक रॉक स्लेट। लाइमस्टोन है वो सेडिमेंटरी रॉक है, इट गेट्स कन्वर्ट इनटू मार्बल, मार्बल है वो मेटामॉर्फिक रॉक। समझ में आया? यस मैम आ गया। ओके, अब हमें दिया है यहाँ पे फॉसिल, वो नो दिस में फॉसिल का डेफिनेशन है जो आपको अंडरलाइन करना है, रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये सारे रॉक के साथ सारे डेड एनिमल्स और प्लांट्स के रिमेन्स भी उसके साथ ट्रैप होते हैं, ठीक है, उसे हम फॉसिल बोलते हैं। यूजुअली ये सेडिमेंटरी रॉक में ट्रैप होते हैं। क्लियर? अब आपको दिख रहा है रॉक साइकिल, रॉक साइकिल दिख रहा है आपको? यस मैम दिख रहा है। ये पूरा रॉक साइकिल जैसे वाटर साइकिल होता है ना, कंटिन्यूस, इट कीप्स ऑन गोइंग, इट कीप्स ऑन गोइंग। देखो सबसे पहले हमें दिया है ऊपर एक वॉल्केनो का डायग्राम जिसमें से हॉट मैग्मा बाहर आता है लावा की तरह, और साइड में हमें दिया है वो लावा जब रैपिडली सॉलिडिफाइड होता है तब वो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट होता है। अब इस पे वेदरिंग की वजह से वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और सेडिमेंटरी रॉक में कन्वर्ट होता है। अब दोनों इग्नियस रॉक और सेडिमेंटरी रॉक पे हीट प्रेशर वेदर की इफेक्ट होने से वो होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अब इस मेटामॉर्फिक रॉक में भी बहुत सारा हीट प्रेशर आने की वजह से पिघल जाते हैं और वो वापस चले जाते हैं
अर्थ के नीचे, राइट। इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यू रहती है, इसे रॉक साइकिल बोलते हैं। अब नीचे जो है वो रॉक साइकिल का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, देवांश तुम्हें पढ़ना। यस, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन अ क्लिनिकल मैटर। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर साइक्लिक मैनर, साइक्लिक मैनर, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक इज कॉल्ड रॉक साइकिल। You have already learned that when the magma cools, it solidifies to become igneous rock. These igneous rocks are broken down into small particles which are transported and deposited to form sedimentary rocks. When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rock. The metamorphic rocks, which are still under extreme heat and pressure, melt down to form molten magma. These molten magma cools down and solidify into igneous rock. तो इस तरह से ये पूरा rock cycle continue होता है। समझ में आया rock cycle? Yes, ma'am. Rock cycle. समझ में आया? Darius Sony. Yes, ma'am, समझ में आया। रॉक साइकिल समझ में आया। अब ये जो रॉक्स होते हैं वो हमें काफी सारी यूजफुल होते हैं। जैसे सॉलिड अगर रॉक होता है तो वो रोड बनाने के काम आता है, हाउस बनाने के काम आता है, बिल्डिंग बनाने का काम आता है। कुछ रॉक होते हैं उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। मिनरल क्या है, वो नेचुरल अकर होता है, वो नेचुरली अकर होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल कंपोजिशन होती है जो हमारे बहुत सारे काम में आती है। जैसे फ्यूल, पेट्रोलियम हम बोलते हैं, वो भी एक मिनरल है। कोल, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम, ये सारे रॉक में पाए जाते हैं। ये सारे कहाँ पे पाए जाते हैं? रॉक में पाए जाते हैं। अलग अलग इंडस्ट्रीज में, मेडिसिन में भी काम आता है। उसके अलावा दूसरे मिनरल है गोल्ड, ये भी मिनरल है। आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, प्लेटिनियम, यूरेनियम, ये सारे मिनरल्स है जो पत्थर में ही पाए जाते हैं। ओके देवांश, अब ये वाला पढ़ लो आप। रॉक आर रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। द सॉलिड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। Minerals are naturally occurring substances which have certain physical property and definite chemical composition. Minerals are very important to mankind. Some are used as fuels, for example, coal, natural gas, mineral oil, and petroleum. They are used in various industries and even for making medicines, like iron, aluminium, gold, uranium, etc. क्लियर हो गया यहाँ पे? अब पढ़ना है। yes, मैं पढ़ू? रुको, तुम्हारा भी क्या रहेगा तेरे। फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म। The lithosphere is broken into a number of plates known as lithosphere plates. You will be surprised to know that these plates move in different directions few millimeters in a year. This is become of to know molten magma inside it different direction. This is because of the molten magma inside. अरे तुम म्यूट हो जाओ। तो मैम कहाँ पढ़ रहा है? मैम ये कहाँ पढ़ रहा है? वो सही पढ़ रहा है पर वो यहाँ वहाँ पढ़ रहा है। रुको, सब म्यूट हो जाओ। ये अब मैं थर्ड लाइन में था, वो इसमें ना ये पता नहीं इसमें बहुत ही साउंड आ रहा था। किसका आ रहा था पता नहीं, ये निकल रहा था ना उसमें ऊपर चला गया। फिर से वापस पढ़ो। ओके मैम, मैम पहले से। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म। Formation of landform. The lithosphere is broken into a number of plates known as lithosphere plates. You will be surprised to know that these plates move in different directions few millimeter
in a year. This is because of molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circular manner. The movement of these plates cause change of the surface of the earth. The movement of the earth are divided on the basis of forces which cause them. The movement which are generated in the interior of the earth are called an endogenic force, and the force that work on the surface of the earth are called exogenic force. अभी रुको, exogenic नहीं है, genic. अभी रुको, इतना पढ़ो. अब ये है लिथोस्फीयर. सबसे पहले लिथोस्फीयर क्या है देवांश, तुमने बताओगे? What is lithosphere? हाँ स्वामी बोलो. मैम जो लिथोस्फीयर ब्रोकन नंबर ऑफ प्लेट है, लिथोस्फीयर क्या है वो पूछ रही हूँ मैम. हमारे अर्थ पे जो क्या बोलते हैं, अर्थ पे एटमॉस्फेयर होता है ना, वो लिथोस्फीयर होता है. नो मैम, मैं बताऊँ? हाँ बताओ. दे मैम, वो लिथोस्फीयर वो हमारे लिथोस्फीयर वो हमारे वो ऐसा होता है कि वो लिथोस्फीयर ऊपर होता है और वो एटमॉस्फेयर में होता है, ऐसा कुछ होता है मैम. ऐसा वो ऊपर होता है नीचे होता है. देवांश को ज्वाइन होने दो. मैम वो अर्थ पे होता है और एटमॉस्फेयर में होता है. लिथोस्फीयर अर्थ में होता है और एटमॉस्फेयर में होता है, हम ऐसा. यस मैम, और दूसरा कुछ बहुत सारा था, बायोस्फीयर वो भी था पहले. बायोस्फीयर वही तो पूछ रही हूँ, लिथोस्फीयर क्या है. देवांश रुको. मैम अर्थ के अंदर होता है ऐसा. अर्थ के अंदर होता है लिथोस्फीयर. रुको देवांश, तुम्हें पता है लिथोस्फीयर क्या है? मैम जमीन में वो जमीन में होता है ना मैम, वो सबसे नीचे बायोस्फीयर वो ऐसा होता है ना, वो जमीन के नीचे बायोस्फीयर होता है. देखो सौम्य बोल रहा है. अकॉर्डिंग टू थ्योरम वो जो होता है वो जमीन के नीचे होता है बायोस्फीयर, पर मैं पूछ रही हूँ लिथोस्फीयर. थ्योरम लिथोस्फीयर क्या है मैम? वो देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वो जमीन के नीचे होता है, पर वो अलग अलग ऐसा होता है. पहले वो होता है, वो नाम भूल गया मैम, फिर वो हेलो मैम रुको. वो देखो कैसे एक्सप्लेन है, वो होता है ना, एटमॉस्फेयर में होता है. देवांश तुम्हारा चेक करो बेटा नेट, वो क्या बोल रहा है, पहले ये होता है पहले वो होता है. हेलो मैम. देवांश यस बेटा. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. सौम्य धैर्य सुहानी मेरी आवाज आ रही है? यस मैम क्लियर. मैम क्लियरली आ रही है. देवांश तुम्हारे नेट में कुछ प्रॉब्लम है बेटा. हेलो मैम. मैम हमको तो देवांश की आवाज आ रही है. मैम उसको हमारी नहीं आ रही है. मैम आपका वीडियो चिपक गया मैम. बेटा नेट में प्रॉब्लम है देवांश, चेक कर दे ऑन कर. मैम वो मुझे पता चल गया लिथोस्फीयर. बोलू? हाँ बोलो. उसे सर्च कर दिया गूगल में, अब बोलेगा. मैं वही बोलना चाह रहा था, उसने सर्च कर दिया. मैं वो लिथोस्फीयर है ना, वो जमीन के नीचे ही भी नहीं होता है और ऊपर भी नहीं होता है, वो जमीन पर होता है. हेलो मैम. सुहानी मैं ना वही तो बोला था, सबको आंसर दो. सुहानी लिथोस्फीयर का मतलब समझाओ इनको. लैंडी लिथोस्फीयर है बच्चा, हम लोग जहाँ पे रहते हैं, लैंड यानी लिथोस्फीयर. लिथो का मतलब होता है रॉक, स्फीयर का मतलब होता है लेयर. तो अभी तो वही बोला था कि हमारे अर्थ पे होता है ना. क्या हमारे अर्थ पे होता है? अर्थ पे तो बहुत कुछ होता है.
वो तो बोला जमीन लिथोस्फीयर। कहाँ पे तू बोला सुहानी? कहीं कहीं पे भी बोला जमीन लिथोस्फीयर बोला था। जमीन के अंदर बोला मैम वो, जमीन के अंदर बायोस्फीयर बोला, ये जमीन के ऊपर एटमॉस्फेयर बोला। जो लैंड होती है, जमीन होती है, उसे लिथोस्फीयर बोला जाता है। चार डोमेन होते हैं मैम, हमको तो एडवांस के नेट में बहुत प्रॉब्लम है। बायोस्फीयर, एटमॉस्फीयर, ऐसा बहुत सारा था। हाइड्रोस्फीयर, ध्यान से दोनों सुनो। मैं बहुत आवाज आ रही है, देवांश को बोलो उनकी म्यूट हो जाए। देवांश बोल रहा है पर वो कैसी आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ। मैं उसको बोलो मैम कि हेडफोन निकाल दे। हेडफोन निकाल दो। अब सुनाई दिया देवांश तुम्हें? तुम्हारे नेट में कुछ प्रॉब्लम है देवांश? मैं उसको बोला हैंड फ्री अंदर भरे और बाहर निकाल। वापस रीजॉइन हो, वापस रीजॉइन हो देवांश, रीजॉइन इट अगेन। फ्री भरा और निकाल दे। मैं मेरा भी ऐसा बहुत बार आवाज चला जाता है ना, तो मैं ना ऐसा हैंड फ्री भराता हूँ और बाद में निकाल देता हूँ, तो बहुत अच्छी आवाज आती है। ओके अभी सुनो, चार डोमेन है हमारे अर्थ के। ओके चार डोमेन है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर, बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी के लैंड। ओके लिथो का मतलब रॉक, स्फीयर का मतलब लेयर। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो यानी के वाटर, ओशन, सी। और हाँ देवांश अब तू ऑडिबल है, तूने कितना सारा मिस किया धैर्य का ज्ञान, इंपॉर्टेंट ज्ञान तूने धैर्य का मिस किया। था ज्ञान मैंने पूछा कि लिथोस्फीयर क्या है? हम लैंड पे रहते हैं, हम लिथोस्फीयर क्या? हम लैंड लिथोस्फीयर, लैंड लिथोस्फीयर है। तो धैर्य ने अर्थ के नीचे वाला बायोस्फीयर, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर। उसका मतलब वही हुआ कि लैंड है। बिल्कुल भी दोनों इतने कंफ्यूज हो कि मुझे भी कंफ्यूज करके छोड़ दिया। मैम इतना भी नहीं आया मैम, धैर्य लैंड को। देखो अभी लिथोस्फीयर का मतलब पता चल गया, लैंड। यस मैम। हाइड्रोस्फीयर यानी कि जो अर्थ पे जितना भी पानी है। यस मैम। पानी, वाटर, हाइड्रोस्फीयर। फिर अर्थ में जो ऊपर जो हमारा एयर का लेयर है उसमें एटमॉस्फेयर, ठीक है। और बायोस्फीयर यानी जमीन के नीचे, तीनों लेयर को साथ में लेके चलता है इंटरैक्शन, उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। अब मैंने आपको लिथोस्फीयर इसलिए पूछा कि यहाँ पे हमें ये बताया कि ये जो लिथोस्फीयर है, ये लिथोस्फीयर यानी कि लैंड, अर्थ के नीचे, लैंड के नीचे बहुत सारे प्लेट, धैर्य खाने की प्लेट नहीं, ऐसे पूरे स्लैब होते हैं, स्लैब, ठीक है। इसे बोला जाता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ये अर्थ के नीचे, अभी भी जो अर्थ के नीचे है ना, वो प्लेट्स कंटिन्यूस मूवमेंट में है। धैर्य तुम्हारा माइक ऑफ कर दो ना, मेरा बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। ये जितने भी अर्थ के नीचे लिथोस्फेरिक प्लेट्स है, वो कंटिन्यूस मूव होती है इस तरह, बहुत सारी होती है, वो कंटिन्यूस मूवमेंट होती है इस लिथोस्फेरिक प्लेट्स में, ठीक है। अब ये हर एक प्लेट के बीच में होता है मोल्टन मैग्मा। हर एक लिथोस्फेरिक प्लेट्स में क्या होता है? मोल्टन मैग्मा। और ये जो मोल्टन मैग्मा उसके अंदर होता है, वो ऐसे गोल गोल घूमता है, सर्कुलर मोशन में घूमता है। इसके अंदर हीट, प्रेशर, सब कुछ होता है। जब ये मूवमेंट मूव होती रहती है, ये लिथोस्फेरिक मूवमेंट्स, और ये मोल्टन मैग्मा भी सर्कुलर मोशन में मूव होता है, तब दो टाइप के फोर्स वो अर्थ के सरफेस पे करता है। एक होता है एंडोजेनिक फोर्स, एक होता है एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स यानी अंदर में बदलाव आना, अंदर ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स में बदलाव आना। एक्सोजेनिक फोर्स यानी अर्थ के ऊपर बदलाव लाना। ओके सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस। जैसे ये प्लेट्स कब से कंटिन्यूस मूव हो रही है,
उसके अंदर मोल्टन मैग्मा है। अब ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है, या तो वो एक दूसरे को मूव होते होते कोलाइड हो जाती है, यानी टकरा जाती है, राइट। ये प्लेट्स ऐसे मूव हो रही है, अंदर मोल्टन मैग्मा है, मैग्मा ने सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, एक प्लेट को प्रेशर किया ऊपर की तरफ, वो दूसरे प्लेट को टकरा गई, यानी कोलाइड हो गई। क्या हो गई? कोलाइड हो गई। या तो देवांश बेटा तुम्हारे नेट को चेक करो आज। मैम हाँ दे रही मैम, वो लिथोस्फीयर का आपने पूछा ना, फिर मैंने कहा, और ये मैम ये देवांश ने जो कहा ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो सुहानी ने बोला ना, वो तो सुन ही सकता था उसको। नहीं, तो देवांश को इसलिए पता है क्योंकि 7 CBSE में ये फर्स्ट चैप्टर है जियो ज्योग्राफी, उसने वो अटेंड किया है। मैम सिक्स में हमारा था ना, 10th ही चैप्टर, 7th या 7th चैप्टर था, ऐसा ही कुछ था। आपने एक दिन मुझे बोला था ना कि हमारा जैसा अर्थ पर है वैसा पानी के नीचे भी होता है, नीचे भी है। यस हाँ, तो फिर हमारे यहाँ पे पेरिस है, तो फिर वहाँ पे भी पेरिस होगा। पेरिस दैट ऑल थिंग इज मैन मेड, एवरीथिंग इज मैन मेड, नीचे कोई है इंसान? नो, तो कैसे होगा बच्चा? मैं नेचुरल चीजें की बात कर रही हूँ, माउंटेन, वैली, प्लेटू, जो नेचुरल है वही नेचुरल चीज ओशन के नीचे है, बाकी सारे तो मैन-मेड है। देख नहीं पाया तो फिर ये ट्रू कैसे? देख नहीं पाया पर हमने सारे मशीन टेक्नोलॉजी भेजते है ना नीचे, जैसे स्पेस में भेजते है वैसे नीचे भी भेजते है। तो मैम पानी के नीचे तो म्यूट हो जाता, वो जाना इतना मतलब मुश्किल नहीं है? नहीं मुश्किल नहीं है बेटा। मैम हाँ मैम, वो मुझे भी सिक्स्थ में ना चैप्टर नंबर 4 था, द रॉक्स एंड मिनरल्स, मैम मुझे भी ऐसा ही सब आता था। हाँ तुम पहले सीबीएसई में थे? वो मैम यस मैम, मैं पहले सीबीएसई में था, फिर अभी से जीएसटी भी हो गया। ओके मैं अच्छा सुनो, अब ये एंडोजेनिक फोर्स सुनो। अब मैंने आपको बताया ये जो सडन मूवमेंट होता है, ठीक है, अर्थ के नीचे एंडोजेनिक फोर्स, उसमें दो चीज हमें ऊपर एक्सपीरियंस होती है, या तो अर्थक्वेक या तो वॉल्केनो। ओके, एंडोजेनिक फोर्स के वजह से, एंडोजेनिक फोर्स यानी जो भी सडन मूवमेंट अर्थ के नीचे होता है, जिसकी वजह से दो चीज हमें एक्सपीरियंस होता है सरफेस ऑफ द अर्थ, एक होता है अर्थक्वेक, दूसरा होता है वॉल्केनो। अर्थक्वेक जब होता है, राइट, अर्थक्वेक ये कब होता है? जब ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स ऐसे मूव हो रही है, एक दूसरे को टकराती है यानी कोलाइड होती है, या एक दूसरे से दूर चली जाती है और ऊपर की तरफ आ जाती है, तभी भी अर्थक्वेक आता है। वॉल्केनो यानी कि क्या? वॉल्केनो माउंटेन है, अंदर बहुत सारा मोल्टन मैग्मा है, वो मैग्मा को बाहर सर्कुलर मूवमेंट में घूम रहा है, अंदर हीट और प्रेशर आया, उसे जगह नहीं मिल रही, वो हवा मोल्टन मैग्मा को ऊपर की तरफ फेंकती है, माउंटेन की ऊपर का जो ओपनिंग होता है उसमें से इरप्ट होके बाहर आता है। अगर माउंटेन का ओपनिंग का माउथ बड़ा है तो वो सिर्फ इरप्ट नहीं होगा, बाहर ऐसे फ्लो होके आ जाएगा, पर नैरो माउथ होगा तो वो जोर से फूटेगा यानी इरप्ट होगा। समझ में आया? यस मैम। अब जो अर्थक्वेक जहां पे अर्थक्वेक आया उसे बोला जाता है एपिसेंटर। बहुत साल पहले भुज में, कच्छ भुज में अर्थक्वेक आया था, तो मेन अर्थक्वेक यानी मेन ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स कोलाइड हुई उसके ऊपर जो जगह है वो हुई एपिसेंटर। ओके, दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ जो आपके बुक में नहीं दिया है, जस्ट फॉर नॉलेज, कि अर्थक्वेक को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि कच्छ भुज में कितने कितने यूनिट का ये अर्थक्वेक आया, तो हमने उस वक्त मेजर किया था तो वो 6.9 आया था। उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं सिस्मोग्राफ। उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। और जो यूनिट होता है ना, जैसे हम हर एक चीज की एक यूनिट होती है, अर्थक्वेक का यूनिट है वो सर्च किया था रिक्टर ने,
इसलिए उसको नाम दिया रिक्टर स्केल 6.9 7.9 1.2। अबाउ 5 से ऊपर अगर अर्थक्वेक आता है तो वो बहुत ही क्या माना जाता है, डिस्ट्रक्टिव यानी भयानक अर्थक्वेक माना जाता है। और अभी अर्थक्वेक मान लो कच्छ भुज में आया है, पर उसकी इफेक्ट अहमदाबाद में हुई थी, 26 जनवरी को आया था, उसकी इफेक्ट अहमदाबाद में भी हुई थी, तो वो जो अर्थक्वेक का एपिसेंटर होता है, आने के बाद उसके वेव्स होते हैं, नीचे की तरफ गोल गोल वेव्स जाते हैं, वो वेव्स कहीं डिरेक्शन तक मूव होते हैं, जैसे 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 जाएंगे वो कम होते जाएंगे। ओके, समझ में आया? सौम्य बोलो। यस मैम, यहाँ पे भी है ना, दो तीन हमारे बिल्डिंग के पास दो तीन बार आया था, दो तीन बार, दो सेकंड के लिए घर गया और बाद में चला गया। मैम हमारे यहाँ भी आया था लॉकडाउन में, मतलब थोड़ा सा ही आया था, वो अहमदाबाद में या गुजरात में नहीं आया था, और भी कहीं और आया था, उसकी अपना इफेक्ट था, एपिसेंटर वाज समवेयर एल्स, अंडरस्टूड? वो 26 जनवरी को 2000 में मैं आप लोग बॉर्न भी नहीं हुए थे। मैम मैं तो 2009 में बॉर्न हुआ हूँ। मैम बोलो धैर्य। मैं वो अर्थ, मुझे ये पता नहीं चला कि अर्थवर्क आता कैसे है। मैंने स्वामी तमिल में समझाया अभी के धैर्य को समझ में नहीं आया। धैर्य हुआ क्या था कि हम लोग सब अर्थ के नीचे गए और जाके पूरा हिलाया, तब जाके अर्थक्वेक आया। मैं समझा उसको पता चल जाएगा, गुजराती में समझाओ आप। सुहानी वुड यू हेल्प अस? ये अर्थक्वेक नीचे जब शेक होता है बहुत, क्या होता है प्रेशर आता है, क्या होता है अर्थ के नीचे, क्या होता है मैम? प्रेशर आता है। वो कौन सी प्लेट्स होती है? लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है। अर्थ के नीचे बहुत सारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है, और ये प्लेट्स कंटिन्यूस क्या होती है, मूवमेंट में होती है। अभी भी ये प्लेट्स अर्थ के नीचे मूव हो रही है, तो मैम हमें पता क्यों नहीं चल रहा? पता नहीं चलेगा क्योंकि उतना ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो बैलेंस होता है, जिस दिन बैलेंस हट जाता है तो अर्थक्वेक आता है, समझो। वो बैलेंस मेंटेन हो रहा है अभी, अर्थ के ऊपर का, अर्थ के नीचे का, दोनों सरफेस का बैलेंस हट गया तो अर्थक्वेक आया। पर ये बैलेंस कब हटता है वो ही तो समझा रही हूँ, कि ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है वो हल्की हल्की मूव हो रही है, पर ये मूव हो रही है इस तरीके से, और हर एक प्लेट्स के बीच में मोल्टेन मैग्मा होता है जो घूम रहा है, किस तरह से गोल गोल घूम रहा है। अब ये प्लेट्स मूव हो रही है, बीच में मोल्टेन मैग्मा घूम रहा है। अब जब मोल्टेन मैग्मा ऊपर की तरफ प्रेशर करता है तो दोनों प्लेट्स टकरा गई, टकरा के अर्थ के सरफेस को टकरा गई, तब अर्थक्वेक आता है, सडन मूवमेंट होता है जोर से जब टकराते हैं। अब समझ में आया धैर्य? यस मैम समझ में आएगा। मैम मैं मेरे इधर भी आया था एक बार, वो मैं छोटा था ना, तब वो पूरा मेरा सोफा है वो भी हिलने लगा था पूरा। वो तो अर्थ के बाद, पर तुम्हारा जो क्वेश्चन था कि अर्थ में कैसे आता है, अब समझ में आया कि अर्थ के नीचे क्या होता है, कि तब अर्थ में आता है। यस मैम प्लेट होती है। कौन सी? खाने की प्लेट नहीं होती है, कौन सी प्लेट होती है मैम? लिथोस्फेरिक प्लेट, उसको टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है। ये प्लेट्स कंटिन्यूस मूवमेंट में होती है, दो हर एक प्लेट्स के बीच में क्या होता है, मोल्टेन मैग्मा होता है, जो किस डिरेक्शन में घूम रहा है, सर्कुलर डिरेक्शन में घूमता है। समझ में आया धैर्य? चलो धैर्य तुम्हें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटफॉर्म का थर्ड पैराग्राफ। यस मैम, इंडोजेनिक इंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड समटाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट।
suddenly moments like earthquakes and volcanoes cases change on the surface of the earth. A volcano is a vent opening in the earth's crust through which molten material erupts suddenly. Similarly, when the lithosphere plates move, the surface of the earth vibrates. The vibration can travel all sounds its center. These vibrations are called earthquake. The place in the crust from where the vibration start is called the focus. The vibration travel in the form of wave outside the center of origin. The center of surface closest to the center of origin is called epicenter. Greatest damage is usually caused closest to the epicenter, and as the distance from the epicenter increase, the magnitude of the earthquake gradually decrease. Although earthquake cannot be predicted, आज मुझे पता चलेगा, अभी हम लोग बैठे और हमें पता चलेगा कि अर्थक्वेक आने वाला है. अर्थक्वेक हमें फोन तो नहीं करेगा ना, भाई बी अलर्ट, आई एम कमिंग. वी कांट प्रेडिक्ट अर्थक्वेक, वी कांट प्रेडिक्ट, राइट? अभी पता नहीं चलता मुझे तो. हाँ, तो ऑल्दो अर्थक्वेक कैनॉट बी प्रेडिक्टेड, पर उस पे हम पे आने के बाद जो असर होता है उसको हम कम कर सकते हैं. जैसे कि पहले से प्रिपेरेशन लेना सिखाना कि चलो मान लो अर्थक्वेक आ गई तो घर के कोने में जाके खड़े रहो, बीच में नहीं. बीच में जाओगे तो पूरा सीलिंग आपके ऊपर आएगा. ओपन ग्राउंड में दौड़ के चले जाओ, ठीक है? ओपन ग्राउंड में जाके चले जाओ जहाँ पे कोई भी चीज है, आप पे गिरे नहीं. हाँ बोलो. टेरेस पे चले जाने का, इसलिए टेरेस पे चले जाएगा तो पूरी बिल्डिंग के साथ भी नीचे आएगा. ओपन ग्राउंड में जाना है, ग्राउंड मैंने इसलिए बोला, ओपन में जाना नहीं सिर्फ बोला है. सबसे पहले अगर आप घर पे हो तो घर से पार्क के बाहर के तरफ जाना है जहां पे कोई भी चीज आप पे गिरे नहीं. भुज में जो आया था ना बच्चा, भुज में जो आया था ना, वहां पे तो सारी चीज टूट गई थी, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था, पर उसका इफेक्ट हमारे अहमदाबाद में हुआ था. पर अहमदाबाद में बहुत सारे लोग इसलिए मर गए थे, बहुत बड़ी बड़ी टावर्स थी, पर वो सारी टावर्स अर्थक्वेक प्रूफ टावर्स नहीं थी. कोई भी टावर बनानी होती है तो उसका नीचे का जो मेन पिल्लर बनाना होता है ना, उस पिल्लर को बहुत नीचे खुदाई करके नीचे से उसको स्ट्रॉन्ग बेस बनाना होता है, राइट? और उनको काफी ब्रॉड बनानी होती है, चौड़ी बनानी होती है, जबकि बहुत ही नैरो बनाई थी. तो जब ये अर्थक्वेक आया, उसका इफेक्ट है, तो पूरी टावर ऐसे जोर जोर से झूलने लगी, जिसकी वजह से पूरी की पूरी टावर गिर गई. आपके पेरेंट्स को पूछना, वो देखने भी गए होंगे कि सचिन टावर जो था वो आधा गिरा और आधा ऐसे के ऐसे खड़ा रहा, राइट? बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो सीढ़ियों से उतर के जब दौड़ रहे थे तो उनके ऊपर पूरा मलबरा गिर गया, पूरा गिर गया. बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लिफ्ट में थे तो पूरी लिफ्ट एक साथ गिर गई. अहमदाबाद में ऐसे केसेस थे. आपके पेरेंट को सचिन और मानसी टावर के बारे में पता होगा. मानसी जो टावर था उसके टेरेस पे स्विमिंग पूल था, जिसकी वजह से वो पूरा टावर गिर गया. अब सोचो, सुबह का वक्त 8 बजे, यानी ऑलमोस्ट सब घर पे होते छुट्टी के दिन, और ये बड़े टावर गिरना यानी कि काफी सारे जन मर गए, राइट? 26 को हुआ ना मैम, इसलिए जनवरी 2000 मॉर्निंग 8 o'clock. हाँ, तो सब लोग घर पे ही होंगे ना, सो रहे होंगे. मैं रेडी हो रही थी एक शादी के लिए, मेरे कजिन की शादी थी, मेरे पेरेंट्स पहुंच गए थे और मैं और मेरा भाई रेडी हो रहा था. हम लोग नए घर पे शिफ्ट हुए थे अहमदाबाद में, तो पूरा बिल्डिंग हम लोग का फोर्थ फ्लोर का ही था, फर्स्ट फ्लोर पे था, मोस्ट ऑफ पूरा फ्लैट खाली था, पर वो पूरा फ्लैट फूल रहा था. मुझे समझ में नहीं आया क्या हो रहा है. मेरे भाई को पता चला, उसने मेरा हाथ खींचा और गार्डन की तरफ दौड़ के चला गया, और उसने मुझे बोला कि अर्थक्वेक आया है. हाँ बेटा,
मैम अपने सीबीएसई वाले एसएस में ये कहा हुआ है मैम, मैं जब पहले आया था ना तब हाँ मैंने समझाया हुआ है। सबसे पहले ना एपिसेंटर वाले ही हमें बोलता है कि इस जगह पे ना अर्थक्वेक आने वाला है, लोगों को खाली करो। नहीं बेटा, अर्थक्वेक आने वाले कभी नहीं पता चलता, कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कोई भी मशीन नहीं पता चलेगा। वॉल्केनो पता होता है कि ये इरप्ट वाला वॉल्केनो, तीन टाइप के वॉल्केनो होते हैं, एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो यानी जो बार बार फटता है, इरप्ट होता है, तो तुम्हें पता है कि कभी ना कभी ये इरप्ट होने वाला है, तो आप लोग वहां के नजदीक कभी भी रहते नहीं। डोरमेंट वॉल्केनो यानी कि एक बार इरप्ट हुआ है पर अब कब इरप्ट होने वाला आपको पता नहीं है, राइट। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो यानी कि जो जिसके अंदर का मॉल्टन मैग्मा ठंडा हो गया है, वो कभी इरप्ट नहीं होगा। तो वॉल्केनो आपको पता चलता है पर अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन कभी भी नहीं पता चलता है। शांति से हम अभी बैठे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कब अर्थक्वेक आ जाए वी डोंट नो, राइट। द सेम थिंग हैपेंड ऑन 26 जनवरी, no one knew, there were so many of marriage on that day, so many of marriage. Yes, ma'am. Sunami gayi aayi thi na, main naam bhul gaya, sunami. Yes ma'am, wo gayi aayi thi, kahan pe aayi thi main bhul gaya. New Zealand aayi thi last week ma'am, aur main bol raha tha na ki haan ma'am, Japan mein bhi earthquake aaya tha, magma hai uske andar hum barf dalenge, डालते रहेंगे तो मैम वो जल्दी से इरप्ट हो जाएगा, जो और बर्फ डालेंगे ना तो उसमें वॉल्केनो। यस मैम, मैं नहीं बोल रहा था कि ठंडा करने के लिए वो डाल देंगे, पर वो मैम डालेंगे ना उसके अंदर तो वो जल्दी से इरप्ट हो जाएगा उसी के उसी टाइम। ओके चलो, अब हमने ये जो एंडोजेनिक फोर्स है उसमें दो चीज पड़ी, अर्थक्वेक और वॉल्केनो। अब जो दूसरे फोर्स है ना वो एक्सोजेनिक फोर्स है। इतना टॉपिक अब सुनो, हम मिलेंगे थर्सडे को, ये चैप्टर मैं खत्म कर दूंगी। हाँ फिर हमें सेकंड चैप्टर भी शुरू करना है ना। यस मैम, उसकी एग्जाम भी है। और मैम फर्स्ट चैप्टर के आपने कोई वर्कशीट बनाई है? पहले पेपर चेक कर दूं ना। फर्स्ट और सेकंड की साथ में भेजूंगी मैम। मेरा पेपर हम करेंगे सुहानी, मैं चेक कर लूंगी और थर्सडे हम लोग डिस्कस कर देंगे। ओके मैम, ठीक है, अभी टाइम हो गया बेटा, पेपर मिल गया, बस मेरा मेन टेंशन था कि पेपर मिल जाना चाहिए मुझे। मैम साइंस का लेक्चर है। ओके होगा बेटा, मुझे कुछ आइडिया नहीं है बच्चा। मैम मेरे दूसरे डिवाइस को एंटर करो ना। कर दिया बेटा मैंने। हाँ। अच्छा आप लोगों को कुछ होमवर्क नहीं दे रही हूँ मैं। थैंक यू मैम। वर्कशीट मिलेगी क्योंकि अभी। सुहानी देखो, तुमने फर्स्ट एमसीक्यू पाला लिखा है, सेकंड मयन थेटा लिखा है, सही है? व्हाट मैम? फर्स्ट एमसीक्यू क्या लिखा है? पाला। सेकंड मैम, सेकंड मैंने लिखा है मान्य खेता। थर्ड है सभा। फोर्थ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। फिफ्थ बिल ऑफ राइट्स। देन फिलिंग द ब्लैंक्स, फर्स्ट डेमोक्रेशिया, सेकंड जर्मनी, थर्ड टेरोरी, फोर्थ टेरिटरी एंड फिफ्थ वालानाडु। एंड ट्रू फॉल्स में फर्स्ट फॉल्स, सेकेंड ट्रू, थर्ड ट्रू, फोर्थ फॉल्स एंड फिफ्थ ट्रू। ओके अब देखो, मैं थोड़ा सा आपका चेक करके मार्क्स आप तीनों सबको मैं बता दूंगी, ठीक है? ओके मैम। मैम लास्ट टाइम साइंस का लेक्चर नहीं था इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। लास्ट टाइम नहीं था साइंस का लेक्चर? सुहानी तेरी तो बर्थडे थी ना।
हाँ मैम मुझे पता है, मैं इसलिए मैं ज्वाइन नहीं हुई थी, पर मुझे लगा था कि साइंस का लेक्चर होगा। बेटा साइंस है आपको, रुको मैम आ रहे हैं, सोनिया मैम मैं उनको होस्ट बना देती हूँ, ठीक है? ओके मैम। डेरिया तेरी टेक्सटबुक आ जानी चाहिए। यस मैम, नेक्स्ट लेक्चर के पहला आ जाएगी। हाँ वरना मैं तुझे निकाल दूंगी। चलो बाय बेटा। बाय मैम। यस मैम बना दीजिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था मैम? हमने तो चैप्टर 5 तक हमारा हो गया था, फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। लास्ट लेक्चर में तो मैम आप थे ही नहीं ना, कैंसिल था लेक्चर। मैंने क्या बोला? हाँ। लास्ट मैम हमको है ना स्कूल में चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, 5 नहीं चल रहा। 7 कौन सा है? वो क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। हाँ क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन है, वो चल रहा है। ओके और हमारा 5th लेसन कंप्लीट हो गया था दोनों टेक्सटबुक में से? नो मैम। कितना बाकी है? सॉरी सॉरी।
मैम तो इस बार चैप्टर सिक्स स्टार्ट करना। नहीं भाई, फिफ्थ हो गया है हमारा। यस मैम, पूरा हो गया। हीट हीट नहीं, फिफ्थ वाला। नो मैम, हमारा लास्ट पेज बाकी है शायद से। नहीं, हो गया था तो सही। मैम डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में से हुआ था, बाकी था मैम। सुहानी, हमारा बाकी है, धैर्य सौम्य के टेक्स्ट बुक में से हो गया है, मैं ऐसा बोल रही हूँ। ओके, धैर्य सौम्य मैं सुहानी को करवाऊँ ना, आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में से रिवाइज कर लो। मैम हमको है ना वो आ गया है, क्या सिलेबस? कौन से चैप्टर है? दो मिनट मैम, वो देखना पड़ेगा। हाँ मैम, साइंस में चैप्टर नंबर 4 है, 7 है और 12 है, टाइम एंड मोशन। कब एग्जाम? 12 साइंस की 8, 9 मतलब 8 सितंबर को है। अच्छा, तो सुहानी हम लोग अभी है ना पहले लेसन 7 करें, क्योंकि अभी स्कूल चल रहा है ना। मैम मेरे को भी टेस्ट है। मैं मेरी हाँ। भी साइंस की फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर की है। ओके, वो तो हमारे हो गए, आपको कोई भी डाउट हो तो बताना। मैम मुझे तो फर्स्ट और सेकंड की है, दो चैप्टर की है। ठीक, सुहानी स्टार्ट करो। चलो क्या मैम, रीडिंग? हाँ, वेदर एंड क्लाइमेट वाला पेज पहले रीड कर रहा हूँ, मन में रीड करना, फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, मैम हमारे में भी 7 चैप्टर वही है, वेदर क्लाइमेट एंड एडॉप्शन ऑफ एनिमल ऑफ काइंड। हाँ, तो वो आप लोग भी चलो तो फिर समझ लो, 7 चैप्टर आप लोग भी निकाल लो, तो क्या है हम लोग साथ साथ में रहे। मैम वो जो सुहानी का था ना फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, वो हमारा 6th है। हाँ यस मैम, 7th निकाल लिया। हाँ तो पढ़ो आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में से। ओके, मैम मेरा हो गया। ओके, नाउ वेदर एंड क्लाइमेट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? सुहानी आपको कोई आइडिया है? मैम वेदर यानी अभी इधर का वेदर देखो कितना मतलब हॉट है, और क्लाइमेट
मतलब वेदर और क्लाइमेट दोनों सेम ही है? नहीं, वेदर जो होता है ना वो डे टू डे चेंज होता है. वेदर का डिफरेंस डे टू डे होता है और क्लाइमेट सालों से एक जैसा ही होता है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. जैसे कि आपने हाँ सालों से एक जैसा थोड़ी ना हो सकता है. क्यों? जैसे बेंगलोर ऊटी मैसूर में ठंडी नहीं होती, यहाँ से ज्यादा ठंडी होती है. हर बार ऐसा ही होता है. जम्मू कश्मीर में अगर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है तो वहां स्नोफॉल नहीं होता, तो वो वहां का क्लाइमेट हुआ ना, वो तो वो एक जैसा हुआ ना बेटा. यहाँ होता है स्नोफॉल? उस तरह से. और वेदर क्या होता है? वो डे टू डे चेंज होता है. ओके, वेदर फोरकास्ट इज अ प्रेडिक्शन ऑफ वेदर कंडीशंस फॉर अ प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, से द नेक्स्ट फ्यू डेज. वेदर फोरकास्ट में क्या है कि आगे के थोड़े दिन का हमको पता चलता है. धैर्य सौम्य लिसन. वेदर फोरकास्ट जो होता है वो आगे के थोड़े दिन का हमको बताते हैं. इन ऑर्डर टू मेक वेदर फोरकास्ट साइंटिस्ट नोन एज मीटियोरोलॉजिस्ट, जो वेदर रिपोर्ट पढ़ते हैं वैसे साइंटिस्ट को मीटियोरोलॉजिस्ट कहते हैं, जो हमको गाइड करते हैं, हमको अपडेट करते हैं कि दिन का ये वेदर है. फिर वेदर को मेजर करने के लिए एक स्पेशल थर्मोमीटर है जिसको मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर कहा गया है. धैर्य सौम्य अपना वीडियो ऑन रखो ना. इट इज यूज्ड टू मेजर मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इन अ डे. फिर हाइग्रोमीटर इज द ह्यूमिडिटी, जिससे ह्यूमिडिटी चेक होती है उसको हाइग्रोमीटर कहा गया है. धैर्य सौम्य देखो ये पिक्चर देख रहे हो, इसमें सारे डिफरेंट डिफरेंट थर्मोमीटर दिए हैं. सुहानी के पास तो होगा, नाम के साथ दिए है, पढ़ो. मैम ये मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर है ना, तो उसमें वैसे हवा में रखते हैं तब पता चलता है कि क्या है टेम्परेचर. क्या है टेम्परेचर? हाँ, मतलब ऐसा अरेंज किया होता है, वहां पे वो लोग रखते हैं और मेजर करते हैं. ओके, सो दैट इज हाइग्रोमीटर. सौम्य धैर्य देखा? मैम आपने देखा है उसमें? देखा, इसमें नहीं है. अरे हमारी बुक में नहीं है, अभी मैं पहले सुहानी में से करवा रही हूँ फिर हमारी बुक में. तो देखो ये है मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर, ये है हाइग्रोमीटर जिससे दिन की ह्यूमिडिटी पता चलती है, और ये है रेनफॉल जिससे रेनफॉल कितना सेंटीमीटर हुआ है वो पता चलेगा. द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज. मतलब आज दिन में इतना रेन पड़ा वो किससे पता चलता है? रेन गॉज से. मतलब मैं वैसे जमीन पे रखते हैं और फिर मेजर करते हैं कि कितना हुआ. सारा सेटअप होता है, ऐसा नहीं कि पकड़ के रख दिया, ऐसा नहीं होता. सारा सेटअप होता है फिर मेजर होता है. ओके, क्लाइमेट हमको किसी चीज का लंबे समय का बताता है. जैसे कि जून में ऐसा क्लाइमेट होगा, मई में ऐसा क्लाइमेट होगा. अगर हमको कोई पूछे, हम बचपन से यहाँ अहमदाबाद में रह रहे, तो हमको कोई पूछे मई में कैसा होगा क्लाइमेट, अरे बहुत गर्मी हो रेवायज नहीं, हमको पहले से पता है क्योंकि ये सालों से ऐसा है. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्लाइमेट. ओके, लद्दाख, ले लद्दाख में ऑलवेज स्नोफॉल होता है, तो दैट इज क्लाइमेट. नाउ समर में भी होता है मैम? समर में अप्रैल मई तक होता है, फिर धीरे धीरे वो मेल्ट हो जाता है. जैसे गर्मी बढ़ती है ना फिर थोड़ा मेल्ट हो जाता है. बाकी कोई कोई चीज में तो पूरे साल स्नो होता है क्योंकि वो बहुत ऊंचा है तो माइनस में होता है ना. वो बहुत ऊंचा होता है तो माइनस में होता है वहां का ये जो सेल्सियस, तो वो फ्रोजन ही रहेगा. तो स्नोफॉल होता है तो फिर तो उसमें ठंडी लगती है गर्मी लगती है? अरे भाई बहुत ठंडी लगती है. कौन सा महीने में होता है क्या स्नोफॉल?
समर में अलग अलग जगह पे डिपेंड, जैसे कि फेब्रुआरी मार्च में स्नोफॉल हो गया, फिर बर्फ रहता है, स्नोफॉल नहीं स्नो रहता है। हमारे यहाँ स्नोफॉल क्यों नहीं होता? हमारे यहाँ तो स्नो भाग जाता है, आते आते बेचारा मेल्ट हो जाता है। अभी तो मैम देखो रेनी सीजन चल रही है और अभी तो रेन भी नहीं आ रहा है। हाँ वो ही तो, फिर कहाँ से स्नो रहेगा, पहले तो रेनफॉल तो से हो। बारिश आई थी ना तब इतने छोटे छोटे वो आइस, लेकिन उसको स्नोफॉल नहीं कहते, उसको हेल स्टोन बोलते हैं, HAIL हेल स्टोन, जो हम गुजराती में बोलते हैं बर्फ ना करा, तो हेल स्टोन। ओके काश मैम इधर भी इतना ठंडी हो तो बहुत ही मजा आता है। एक मिनट फिर तुम स्नो में ना चलेंगे, इतना मजा आ जाए, फिर नहाने की जरूरत ही नहीं है, आइस जैसा पानी होगा, पानी की कमी नहीं होगी, बर्फ को पिघला दो पानी। वो हाँ, factors that affect the climate of Earth, climate of Earth has not remained the same every year. It is extremely in ice ages with large area of Earth surface covered with ice. बहुत सारा Earth का surface जो है वो ice से covered है, okay? Now turn page, Suhani दूसरा page read करो। अब जोर से रीड करना है ताकि सौम्य और धैर्य भी सुन सके। हाँ मैम, क्लाइमेट ऑफ अर्थ एज अ होल, हाँ पढ़ो। सम ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ प्लैनेट अर्थ एज अ होल आर द डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड द अर्थ टिल्ट। डिस्टेंस फ्रॉम द सन, the sun is our main source of energy, it generates energy because of the nuclear reactions going on in it, which mainly involve the conversion of hydrogen to helium. As a result of these reactions, the temperature at the surface of the sun is about 5000 degrees Celsius, and that at its core is much more, it's around 15 million degrees Celsius. This makes it very hot and very bright. The sun has a diameter of about 1.39 million kilometers. Compare this with the diameter of the Earth, which is around 12,700 kilometers. स्टॉप, ये सब ये मेरे पास जो टेक्स्ट बुक है ना उसमें नहीं दिया है, रुको। मैं तो डिस्टेंस फ्रॉम द सन वाला पढ़ रही हूँ, देखो। हाँ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, लेकिन मेरे में वो थोड़ा शॉर्ट दिया है, तो तेरे में बहुत लॉन्ग करके दिया है, तो रुको एक मिनट। हाँ मैम इसमें दो पैराग्राफ है और वो भी बड़े बड़े। हाँ तो अभी वो पैराग्राफ तूने पढ़ा, उसमें तुझे क्या नहीं समझ में आया वो बता दे, क्योंकि मेरी बुक में नहीं है ये। ना समझने वाली कोई बात ही नहीं है मैम, है ना, पूरा इंफॉर्मेशन ही दिया है। हाँ हाँ तो आगे पढ़ो, हम सुनते हैं। The energy from the sun is radiated out in all directions. The earth, which is about 149.6 million kilometers away from the sun, receives a small portion of the energy that the sun radiates. This makes life possible on earth. The distance from of the earth from the sun is one of the major factors that determines the climate of the earth. Had earth been a little closer, it wouldn't have been too hot, and a little farther away it
won't have been too cold. The temperature on the earth seems to be just right for the survival of life form on the earth. Suhani, tilted ka matlab kya? Theta, ma'am. ऐसा टिल्टेड मतलब ऐसा. ओके धैर्य सौम्या. यस मैम. चलो अभी आप पढ़ो अपनी टेक्स्ट बुक में से. यस मैम मैं पढ़ू. धैर्य आपने टेस्ट लर्न करके नहीं दी थी? कैसे गंदे मार्क्स आई है? क्यों मैम क्या हुआ? क्यों मैम क्या हुआ? बोलने जैसे मार्क्स ही नहीं है. मैम मेरे तो 12 मार्क्स आए. लर्न करे बगैर टेस्ट दे दी थी तुमने भी सौम्या? इतना करते हैं हम लोग, इतना रिवीजन करते हैं, इतना इजी, कितना इजी पेपर था तो भी ऐसे मार्क्स. सुहानी आपको कितने 20 या 21 आए ना? हाँ तो आपको अच्छे नहीं कह सकते क्योंकि आप डिजर्व करते हो 27 प्लस का. कितना रिवीजन करते हम लोग और कितना इजी पेपर पूछा था मैंने. हाँ धैर्य मैम पर मैंने तो लर्न किया था. क्या आपको पेपर नहीं मिला होगा अब तक? 8 मार्क्स आए आपके सिर्फ. किया था तो खाली किया था लेकिन सिर्फ लिखा नहीं ऐसा. धैर्य सौम्या आप ऐसा करो कि आप लेसन 7 छोड़ो, अभी आप लेसन 5 ही करो क्योंकि आपकी स्कूल में अभी उसकी देर है. सुहानी को तो अभी करवा रहे लेकिन के जब आपकी स्कूल में करवाएंगे तो आपका तो सब माइंड में से निकल जाएगा. उससे अच्छा है कि आप लेसन 5 रिवाइज करो और जो भी नहीं फाता अंडरलाइन करके रखो. मैं एक्सप्लेन करती हूँ तब तक मैं सुहानी को करवाऊ क्योंकि जिस तरह के आपके मार्क्स आए अभी से मैं 7 लेसन करवाऊंगी, 2 महीने बाद स्कूल में चलेगा तो आपके तो माइंड में से सब निकल जाएगा. ओके सुहानी जहां तक इंफॉर्मेशन है ना आप माइंड में पढ़ो फिर मुझे बताओ कि क्या नहीं पाता. ओके मैम. क्योंकि आपका और मेरा थोड़ा डिफरेंट है. मैम इसमें वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ. ओके. धैर्य सौम्या रीड करना, टाइम पास मत करना. ओके मैम.
मैम ये जो इंक्लिप्ट प्लेन वाला जो टॉपिक है ना, हाँ वहां से समझाओ ना. इंक्लाइंड प्लेन. नो. हाँ. E डबल L I P T I C. एक्लिप्स. हाँ एक्लिप्ट मैम. एक्लिप्ट. थोड़ा बोलो तो, क्योंकि ये इसमें कहीं पे एक्लिप्स नहीं दिख रहा. हाँ मैम. नाउ लेट मैम सेकंड पैराग्राफ है ना इसमें. नाउ लेट अस कंपेयर दिस विद द मोशन ऑफ द अर्थ. इमेजिन अ प्लेन ऑन इट्स ऑन विच द अर्थ ऑर्बिट लाइज. दिस इज कॉल्ड एनक्लिप्ड प्लेन जस्ट लाइक अ स्पिनिंग टॉप. द अर्थ एग्जिस्ट जो होता है ना अपनी एक्सिस पे घूमता है, तो अपनी एक्सिस पे घूमता है जिसकी वजह से सोलर एक्लिप्स और न्यूनल एक्लिप्स अकर होता है. तो इसीलिए अर्थ जो अपनी एक्सिस पे घूमता है वो उसको एक्लिप्ट बोलते हैं. ओके ओके. नीचे आपको फिगर दिए, चेंज ऑफ सीजंस ऑफ द अर्थ दिया है. हाँ मैम है ना, पूरा पेज है इसका. सी. हाँ यहाँ इसमें थोड़ा डिफरेंट है हमारा, लेकिन वो फिगर पूरी पढ़ लेना, उसमें बॉक्स दिए वो भी पढ़ो, वो इम्पोर्टेंट है. नहीं समझ में तो बोलो. मैम जो वेदर को टेस्ट करते हैं उसको इंडिकेटर बोलते हैं. वेदर को टेस्ट. मैम तो इंडिकेटर मतलब क्या होता है? सुहानी बोलो तो, क्यों लेसन फाइव कर रहे हो ना? यस मैम. बोलो इंडिकेटर मतलब क्या, मैंने एक्सप्लेन किया था. मैम मुझे तो इंडिकेटर है ही नहीं. अरे मैंने इनकी बुक में से एक्सप्लेन किया था. इंडिकेटर मतलब जो हम लेते हैं जिससे हम टेस्ट करते हैं कि ये ये एसिडिक है कि बेसिक है. जैसे लिटमस पेपर, चाइना रोज, टर्मरिक, ये सारे इंडिकेटर है. मैम ये जो प्लैनेट्स है ना, तो उसमें से सिर्फ अर्थ ही है जो टिल्ट है, ऐसा क्यों? वो नेचुरल है कि भाई वो अपनी एक्सिस पे थोड़ा टिल्टेड है और वो उस पे घूमता है और सीजंस चेंज करता है. मैम मुझे तो क्या लगता है पता है, कि है ना भगवान ने ये सोचा है कि अर्थ पे ही लोग रह रहे हैं, तो अर्थ को थोड़ा अलग तरीके से बनाना पड़ेगा ना, कि डिफाइंड हो कि हाँ चलो ये अर्थ है हमारी, इसीलिए. मैम इसमें क्या बोला है कि 21st मार्च और 23rd सितंबर होता है, तो उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज क्लोजर टू द सन. तो मैम ये रियली में होता है? मुझे तो नहीं लगता. नहीं होता है. तो मैम अभी 23rd सितंबर आएगी तो हम चेक करेंगे होता है कि नहीं. और अगर मैम नहीं हुआ तो? अरे होगा बेटा, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ये होगा.
मैम लीजेंड्स मींस क्योंकि मैम सेकंड है ना मैम सेकंड चैप्टर सॉरी मैम फर्स्ट चैप्टर में भी एक लीजेंड्स है और ये लीजेंड्स प्लांट्स में से होता है जो रेड और ब्लू लिटमस पेपर बनाने में काम में आता है एक तरह का प्लांट ही है ओके मैम क्योंकि मैम फर्स्ट चैप्टर में भी लीजेंड्स था ना इसलिए हाँ मैम मैंने आपको चैट बॉक्स में कुछ भेजा है रुको फिर से भेजो सुहानी मिल गया मैम इल्यूमिनेट मींस जलाना ओके मैम वो जो बॉक्स है ना धैर्य सौम्य नेचुरल एसिड का और नीचे बेस का वो अच्छे से बाय हार्ट कर देना मैम कौन सा वाला ब्लू बॉक्स वाला डू यू नो नहीं जिसमें नेम ऑफ द एसिड और फाउंड नहीं हो दिया है जैसे सिट्रिक एसिड जूसी फ्रूट्स में से मिलता है वो बॉक्स नहीं है लेफ्ट हैंड साइड पेज पे के राइट हैंड साइड पे है मैम वही तो बोला ब्लू पेज में डू यू नो के बाद नेम ऑफ एसिड और फाउंडिंग नेम ऑफ बेस फाउंडिंग वही वाला मैम मैम ये मैम मैंने मतलब मैं छोटी थी मैं तब से पढ़ती आ रही हूँ कि ये 22 जून को बड़ा लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट डे 22 दिसंबर को होता है तो अब तो मैम सीधी सी बात है ना कि अगर आप समर में कोई भी दिन देख लो सारे बड़े ही होंगे 7:30 बजे भी शाम के अंधेरा नहीं हुआ होगा देखो सुहानी इसमें क्या है कि सब मेजर होता है जो पहले से होता चला आया है ये सीधी सी बात है कि भाई समर में सारे दिन लंबे होते हैं लेकिन जैसे एक्सेप्शनल नहीं होता वैसे जून जो है सबसे लंबा दिन है 22nd ओके यस अरे ना आपने कुछ कहा मैं ऐसा बोल रही हूँ कर रहे हो ना एक्टिविटी ब्लू बॉक्स सब रीड करना मैम मैं भी वो ब्लू बॉक्स रीड कर हाँ ठीक है मैम सी आई टी आर
यूएस फ्रूट्स मीन्स वो जूसी फ्रूट्स ये सारे जूसी खट्टे फ्रूट्स मैम मैम जिसमें विटामिन सी हो वो ना हाँ वो हाँ बोल सुहानी मैम ये इंडिया है वो इक्वेटर पे है हाँ इंडिया है वो इक्वेटर के पास है या फिर इक्वेटर से बहुत दूर है पास है एग्जैक्टली इक्वेटर है कहाँ पे हाँ मिडल ऑफ अर्थ दैट इज इक्वेटर वही तो कहाँ पे है वो तो अभी एसएस के मैम को पता है ज्यादा आपका एसएस कौन लेता है परीक्षा हाँ तो उनसे पूछना मैम उसको बोलो कि जो पुरानी हमारी एसएस की टेक्स्ट बुक थी ना उसमें है मैं उसको भेजूंगा उसका नंबर है मेरे पास ठीक है मैम द जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड इक्वेटर वो तो भाई मुझे भी पता है पर कोई प्लेस तो होगी ना जहाँ इक्वेटर ये क्वेश्चन परीक्षा मैम को पूछना वो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ये एसएसटी का क्वेश्चन है ना तो मैं वो इक्वेटर है ना वो अर्थ के बीचों बीच होता है ये बात खत्म हो गई अपना करो इंग्लिश कौन लेता है आपका मैम करीना मैम ठीक है मैम अंटार्कटिका पे कोई फ्लाइट जाती है ना क्या मैम अंटार्कटिका पे जहाँ पे उसका कोई सिटी होगी जहाँ पोर्ट होगा वहां जाती होगी मैम वहां पे तो शिप जाती है हाँ शिप पे जाने का तो तुम्हें कितनी देर लगेगी महीना हाँ, भर लग जाएगा शिप में शिप तो में जाते ही है तो फिर और फिर अगर बीच में तूफान आ गया तो क्या मरना है मैम मुझे ना एक बार अंटार्कटिका जाना है और मैं तो क्या करूंगी पता है अंदर पहले तो मैं एक टी शर्ट पहनूंगी और उसके बाद ऊपर 7 लेयर का स्वेटर और वो भी नेचुरल वूल का अच्छा हैप्पी जर्नी पर मैं अभी कहाँ से जाऊँ वो सपने में जा रही है आज मैम वो सपने में जा रही है आज अंटार्कटिका घूमने ठीक है मैम मैं जाऊंगी और मैं बताऊंगी कि कैसा है okay. है ना हम थर्सडे को मिलेंगे ना मैं आपको बताऊंगी ओके मैम पहले उसका क्या होता है वो एंटार्कटिका से नजदीक वो सामने होता है ना वो उसमें से प्लेन में जाने का प्लेन में से शिप से एंटार्कटिका आने का ऐसा होता है और मैम आपने कहा ना कि अंटार्कटिका में पोर्ट होगा तो मैम अभी देखो ऐसी बात है कि अगर पोर्ट होगा तो अंदर चेकिंग करने वाले भी होंगे ही ना है ना पहली तो फिर उन लोग को ठंडी नहीं लगेगी मैम पर अंटार्कटिका में ये सारे एसएस के क्वेश्चंस है तू परीक्षा मैम को पूछ के मुझे थर्सडे बताना है ना मैम पर अंटार्कटिका में थोड़ी पोर्ट होगा वो तो स्लिप जाती है ना वहां पर
हाँ लेकिन ये अज्यूम करके बोल रही है, मैंने भी अज्यूम करके बोला नहीं, मगर हो तो फिर चले जाए। ठीक है तो मैं गूगल पर सर्च करना पड़ेगा। मैम मैग्नीशिया मींस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऐसा केमिकल जिससे दवाई बनती है, कैलेमाइन सॉल्यूशन और वो सब। ओके मैम, मैम नेम ऑफ बेस में लिखा था। हाँ नेम ऑफ बेस, हाँ जो एसिडिटी होती है ना हमको उसको कंट्रोल में लाने के लिए हम यूज करते हैं। ओके मैम, मुझे तो फोटो मिल गया, मैं स्क्रीन शेयर करूं, वो एंटार्क्टिका कैसे जाते हैं? मतलब आपने पढ़ाई नहीं की और ये सब किया? नहीं नो मैम, वो सुहानी ने कहा ना, सुहानी ने कहा कि एंटार्क्टिका गूगल में से, तो मैंने अभी सर्च मार दिया और मुझे पहले ही फोटो मिल गया। नहीं तो ग्रुप में सेंड कर दे। मैंने भी ग्रुप में सेंड किया, मिला उसको। डेरिया ने भी सेंड किया, अभी अभी भेज दिया मैम, उसने सच में भेज दिया। हियर हाउ यू कैन प्लान अ लाइफ चेंजिंग ट्रिप फ्रॉम टू इंडिया। वाह मैम ऐसा भेजा है मैम उसने सचमुच में। हाँ मैम ये तो अच्छी बात है। मैम सुहानी को बोलो मैंने वो जो पूछ रही थी ना मैम, मैंने उसको भेजा। थैंक यू, सुन ही रही है। मैम 0 डिग्री पे होता है इक्वेटर। पर कहा अर्थ के बीचों बीच, गूगल में से मिल जाएगा। अर्थ के बीचों बीच वाला ही तो ढूंढना है। अरे भाई तेरे को भेजा तो सही होगा कि तरफ, तू ढूंढने जा जा। वो तो किसी को भी नहीं पता कि अर्थ का बीचों बीच होता है, वो सबको पता है, पर वो कहा होता है वो किसको पता? वो हम उसको देख नहीं सकते, वो अनविजिबल है। अभी भाई देखो मैम, अभी ये जो मैसाना है ना, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमको ना अभी स्टडी में आया था कि मैसाना आता है ना टोल टैक्स मैसाना का, उसके पहले लॉन्गिट्यूड है तो वहां पे तो बोर्ड ही नहीं लगाया। मतलब अगर जहाँ पे भी इक्वेटर होगा वहां पे बोर्ड लगाया तो होगा इनकि ये इक्वेटर है। वहां पे निकाल दिया है पर इसलिए पता नहीं है कि है, मतलब पता है कि वहां पे ही है पर ऐसा दिखाया नहीं है। बराबर। और मैम वैसे भी हमको दिखता नहीं है वो सब। हाँ वो इमेजिनरी लाइंस है मैम। और हम एंटार्क्टिका जाएंगे तो वहां पे कितने सारे वो खतरनाक एनिमल्स है। दूर से मैम 10 किलोमीटर दूर हूँ तो वहां से ऐसे सेल्फी लेंगे। मैम वो एक का नाम भूल गया, वो चीता जैसा ही होता है पर वो नाम भूल गया, क्या था? स्नो लेपर्ड। यस मैम, वो बहुत खतरनाक होता है। स्नो लेपर्ड, फिर रेनडियर। मैम स्नो लायन होता है? स्नो लायन भी एनिमल्स तो ना सारे होते हैं, बस आगे स्नो लगा देते हैं। स्नो लेपर्ड है ना व्हाइट कलर का होता है,
और हमारा जो लेपर्ड है वो येलो कलर का होता है, इसलिए येलो ब्लैक। मैम पता है देखो हम लोग है ना वो इधर भी होता है मैम, मैम इधर के जो एनिमल्स है वो हम लोग एंटार्क्टिका ले जाएंगे ना तो वो मर जाएंगे। हाँ, और अगर वहां के एनिमल्स यहाँ पे लाएंगे ना तो जिंदा ही नहीं रहेंगे, सारे के सारे मर जाएंगे। ऐसा क्यों लाएंगे उसको ठंडी एसी में रखेंगे मैम? क्योंकि ऐसा होता है कि जो इधर के उसको ये क्लाइमेट अच्छा लगता है और ये जो वहां के उसको वो क्लाइमेट अच्छा लगता है, इसलिए वो इधर आएंगे ना तो वो उस क्योंकि वो लोग यूज्ड टू होते हैं, वो क्लाइमेट उनकी हेल्थ के लिए सूटेबल होता है। मैम साइंस में भी हमको सिक्स्थ में आया था कि वो जैसे कि बंदर है वो ठंडी बहुत ही ठंडी में रहता है, पर वो अभी इधर गर्मी में आया है तो थोड़े दिन में वो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगा कि गर्मी में कैसे रहना है। वो कोई कोई एनिमल्स होते हैं जो जहां पे जाते हैं ना वहां का एनवायरनमेंट एडॉप्ट कर लेते हैं। मैम कैमोफ्लेज भी होता है वहां पे, मैम जैसे पेंगुइन, मैम जैसे पेंगुइन, वो पेंगुइन हम इधर भी लाएंगे तो भी वो जिंदा ले सकते हैं। हाँ मैम रैबिट जैसा रह सकते हैं वो कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज मतलब क्या सुहानी? वो कलर अपना चेंज करता है ना वो वाला। कलर चेंज करता है मतलब जो वो जो एनवायरनमेंट में होता है उसमें मर्ज हो जाए वैसा कलर क्रिएट कर हो जाता है। हाँ पर यहाँ पे तो कोई कलर ही नहीं होगा, सब कुछ व्हाइट ही होगा इसलिए वो व्हाइट ही है। मैम इधर भी ऐसा है जो कलर चेंज कर देता है, लीफ में जाता है तो ग्रीन कलर हो जाता है। मैम मुझे उसको नाम तो नहीं पता। मैम इधर भी ऐसा ही है कि ऐसा ही छोटा ग्रास हॉपर, फिर लीफ इंसेक्ट, स्टिक इंसेक्ट, ये लोग ऐसे ही होते हैं जो मैच हो जाते हैं। मैम वहां पे तो है ना जैपनीज मैक्यू भी रहता है, बंदर जैसा ही दिखता है। और मैम रैबिट भी होता है ब्राउन कलर ऐसा कलर का, वो स्नो में रहता है। और मैम इसकी आंखें तो देखो बाप रे लाल लाल। मैम उसको गुजराती में माकड़ा बोलते हैं। मैम एक ऐसा एनिमल जो माथेरान में बहुत लेंगे मैम, जिसमें भी पांच दस माकड़े मिलेंगे। सारी बातें हो गई, सुहानी अपने आगे कंटिन्यू करो। मैम मैंने गिरगिट वो भी कलर चेंज कर देता है। हाँ तो गिरगिट को ही कैमोफ्लेज बोलता है। कमन सुहानी अपने आगे करो, अभी बातें नहीं।
मैम मिल्ड यानी M-I-L-D मिल्ड क्या है बताओ क्या है मतलब सेंटेंस बोलो माइल्ड है भाई माइल्ड है मतलब ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा हम बोलते माइल्ड टेम्परेचर है ओके मैम हाँ मैं वो गिरगिट को है ना चेमी चेमिलॉन बोलते हैं चेमिलॉन अभी धैर्य ने भेजा मैम हार्श यानी हार्श क्लाइमेट मतलब जो हम बेयर नहीं कर सकते या तो बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंडी दैट इज हार्श वेदर अभी जो बाकी का रहे ना हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे ओके ओके मैम यानी चैप्टर रीड करके रख है ना ओके मैम बाय मैम बाय मैम 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 आप चिपक गए अरे बाप रे मैम चिपक आ रही है मैम आप चिपक गए मैम चिपक गए मैम ये वो गिरगिट का दो नाम होता है वो चैमिलियन और जम्पलेग चैमिलियन नहीं कैमिलियन कैमिलियन है इस मीटिंग में हम तीन ही लोग हैं मैम चले गए मजा करो मैम चले गए रिकॉर्डिंग चालू है बंद कर तभी मैम चले गए नीचे ऑप्शन होगा अरे भाई पाचड़ना वाला छे ने ए मने होस्ट बनाई जता रे अने बीजा बधा ने एडमिट करू हूं नहीं करवाना भाई पहले बीजा क्लास ना बधा बता के एडमिट करो एडमिट उभी रहे जो भाई मुझे बाय टाटा